गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड सेफ एट योर होम. सो यस्टरडे वी हैव डन द कन्वर्टिंग लीटर इनटू मिलीलीटर. आई होप द कॉन्सेप्ट वाज क्लियर. सो टुडे आवर टॉपिक इज कन्वर्टिंग मिलीलीटर इनटू लीटर. टुडेज आवर टॉपिक इज मिलीलीटर इनटू लीटर. मिलीलीटर इनटू लीटर. सो एज वी नो कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ये हम सब जानते हैं. सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर. हियर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000 लीटर के. तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में. मिलीलीटर को किसमें? सपोज वी हैव 4000 मिलीलीटर. हमारे पास क्या है? 4000 मिलीलीटर. सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मिलीलीटर. सो 4000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 4000/1000 लीटर. क्लियर? सो हम इसको क्या करेंगे? 1000 से 4000 को करेंगे. 1000 4 4000, सो आर आंसर इज 4 लीटर. अगर हम ये जीरो से वो करते हैं कट, तो 4.00 आ जाएगा. जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 4 लीटर आर आंसर. क्लियर है आपको? हम ये 30 से 30 भी कट कर सकते हैं, तो हमारा वैसे ही 4 लीटर आया. तो हम तीनों तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये पॉइंट वाला भी पॉइंट कर सकते हैं, या फिर हम 0 से 0 भी कट करके कर सकते हैं. बट आंसर इज 4 लीटर. क्लियर? अब हमने क्या किया? मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया. किस में कन्वर्ट किया? मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया. एग्जाम्पल, सपोज वी हैव 9000 मिलीलीटर. सो हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. सो 9000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 9000 अपॉन में 1000 लीटर. सो आर आंसर इज 9 लीटर. Our answer is 9 liter. Clear? 1000 9s are 9. So our answer is 9 liter. We converting milliliter into liters. We take another examples. Suppose we take 2860 milliliter. हमने लिया 2860 milliliter. So we write here 1 milliliter. Is equals to 1/1000 liter. So 2860 milliliter is equals to 2860 divided by 1000 liter. अब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. 1000 से डिवाइड करने के लिए 2860 divided by 1000, 1000 twos are 2000, remainder is 860, so 2 liter 860 milliliter, क्या आंसर है? 2 liter 860 milliliter. अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 2860 डिवाइड बाय 1000, सो 1, 2, 3, सो आर आंसर इज 2.860. 2.860 means same answer, 2 liter 860 milliliter. Clear? Example 3458 milliliter. अब हमारे पास क्या है? 3458 milliliter. इसको हमने कन्वर्ट करना है लीटर्स में. किसमें कन्वर्ट करना है? लीटर्स में. सो फर्स्टली वी राइट हियर, वन मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 बाय
थाउजेंड लीटर. सो 3458 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 3458 डिवाइड बाय 1000 लीटर. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3458 को 1000 से. 1000 थ्री जा 3000 and remainder is the 458. It means 3 liter 458 milliliter. क्या हुआ इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है 3 liter 458 milliliter. और अगर हम इसको ऐसे करते हैं 3458 divide by 1000. 1, 2, 3, 3 digit है हमारे पास 0 की. तो हम 3 digit के बाद यहाँ पर 3 digit से पहले तो आर आंसर इज 3 लीटर 458 मिलीलीटर. क्लियर? सिंपल है, पैटर्न वही है, सिर्फ मिलीलीटर लीटर का आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा. इसमें सारा पैटर्न देखो, जैसे पहले हम लिख देते थे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, ऐसे ही इसमें 1 मिली इज इक्वल टू 1/1000 लीटर लिखा हुआ. इसको सबके पैटर्न सेम है, बट आपको मिलीलीटर, लीटर, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इन सब का ध्यान रखना है. ठीक है, वैसे इजी है, अच्छे से करना. सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास वर्क टाइम. ओपन योर मैथ्स नोटबुक, राइट डेट एंड क्लास वर्क. Today's date is 28-10-20. Chapter 8 measurement. Exercise 8.6. Write classwork. Question 2. Convert the following capacities into liter. अब हमने क्या करना है? Convert करना है following capacities को into liter में. जो हमें numbers दिए होंगे milliliter में, हमें उसको liters में change करना है. Clear? So our first sum is 3000 मिलीलीटर. क्या आएगा हमारा फर्स्ट सम है हमारा 3000 मिलीलीटर. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्टली वी राइट हियर 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर. सो 3000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 3000 by 1000 liter. So 1000, 3000, 1000, 1s are 1000, 1000, 2s are 2000, 1000, 3s are 3000. Our answer is 3 liter. Clear? Our answer is 3 liter. क्लियर है? सबसे पहले हमने लिखा 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर. सो 3000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 3000/1000 लीटर. सो 3000 को 1000 से डिवाइड कर दिया और आंसर इज 3 लीटर. क्लियर? अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? लीटर्स में, मिलीलीटर को. नेक्स्ट सम इज 5000 मिलीलीटर. 5000 मिलीलीटर. सो फर्स्टली वी राइट हियर 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर. सो 5000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइड बाय 1000 लीटर. फिर से वैसे ये 1000 से 5000 को डिवाइड करना इजी है. सो आर आंसर इज 5 लीटर. आर आंसर इज 5 लीटर. हमने पहले 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर लिखा, फिर ये होता है इसलिए 5000 को क्या किया, 5000 डिवाइड बाय 1000 एंड आर आंसर इज 5 लीटर्स. वी कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर्स. Next,
term is 8200 milliliter. 8200 milliliter. Firstly, we write here 1 milliliter is equals to 1 by 1000 liter. So, 8200 milliliter is equals to 8200 divided by 1000. अब हमें क्या करना है, 8200 को डिवाइड करना है 1000 से. तो कैसे करेंगे, 8200 डिवाइड बाय 1000. 1000 8 जा, यहाँ पे 8 है ना, तो हम 8 जा लेंगे, 8 जा 8000. सो आवर रिमाइंडर इज 200. हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 200. इट मींस आवर आंसर इज 8 लीटर 200 मिलीलीटर. हमारा आंसर क्या आया, 8 लीटर 200 मिलीलीटर. अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 1000, 1 2 3, थ्री डिजिट से पहले हमें डॉट लगाना है, यानी कि 8.200. तो भी इसका क्लियर मतलब है 8 लीटर 200 मिलीलीटर. आप दोनों में से किसी भी एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों को सॉल्व करके दिखाना है, किसी भी एक तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है आपको? सो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज कन्वर्ट द फॉलोइंग कैपेसिटीज इनटू लीटर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड आवर टुडेज टॉपिक. So rest of the parts do you do yourself. Thank you. Have a nice day.